हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के वीडियो में आप सीखेंगे इट और देयर का यूज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इट और देयर में क्या मुश्किल है। इट का मतलब होता है यह, जैसे इट्स माय पेन, जैसे वहां जाओ, गो देयर। लेकिन इट और देयर का यूज हम एज अ डमी सब्जेक्ट भी करते हैं, एज अ डमी सब्जेक्ट। मीन्स बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे सब्जेक्ट का काम कौन करता है? इट एंड देयर। तो यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। देखो, पहले मैं आपको देयर की यूज सिखाता हूं और उसके बाद हम इट पे आएंगे। एक सेंटेंस है, सेंटेंस यह है कि इस कमरे में 15 लोग हैं, एक रूम है और उस रूम में कुछ लोग हैं। तो आपको यह बोलना है कि इस कमरे में 15 लोग हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यह हो जाएगा, देयर आर 15 पीपल इन दिस रूम। सिंपल, देयर आर 15 पीपल इन दिस रूम। एक बास्केट है और उसमें एप्पल्स हैं। कितने? 10 एप्पल्स हैं। अगर आपको यह कहना है कि इस बास्केट में 10 एप्पल्स हैं तो क्या होगा? देयर आर 10 एप्पल्स इन द बास्केट। ओके, और अगर सिंगुलर है कि जैसे एक एप्पल है ओनली, तो आप कहोगे देयर इज वन एप्पल या एन एप्पल, जो भी कहना हो, इन द बास्केट। ओके, अब इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंस, जैसे ग्लास है और ग्लास में मिल्क है, तो आपको ये कहना है कि ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है, तो आप क्या कहोगे? There is a little milk in the glass. हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कहना कि बहुत ही कम मिल्क है, पूरा काम नहीं चलेगा, तो यहां से ए आप हटा सकते हो। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर? There is little milk in the glass. तो कहने का मतलब यह है कि there आता है और फिर is am are इस तरह से आएगा। ठीक है, या तो is आएगा या are आएगा और उसके बाद इस तरह से आएगा। इट इज वेरी सिंपल। अब आप नोटिस करोगे, ये जो सेंटेंस हिंदी में बनते हैं, इनकी खास बात है, हमेशा इसमें ऐसा लिखा होगा कि किसी चीज में ऐसा है। जैसे कमरे में 15 लोग हैं, टोकरी में 10 सेब हैं, ग्लास में थोड़ा मिल्क है। तो आपने नोटिस किया कि हम यहां पे ऐसा कहते हैं कि इसमें ये है, तो वहां पे देयर का इस्तेमाल होता है। अब कुछ और सेंटेंस हम कह सकते हैं कि मेरे स्कूल में 15 टीचर हैं, तो क्या होगा? मेरे स्कूल में 15 टीचर है, अगेन देयर का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि यहां पे 15 टीचर एक से ज्यादा होते हैं, तो आर आएगा। कितने टीचर? 15 टीचर्स। देयर आर 15 टीचर्स इन माय स्कूल। तो मेरे स्कूल में 15 टीचर हैं। मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं, सो देयर आर 50 रूम्स इन माय स्कूल। तो इसी तरह से बन जाएगा। मेरे स्कूल में एक ग्राउंड है, सो देयर इज अ ग्राउंड इन माय स्कूल। तो मेरे स्कूल में एक ग्राउंड है। तो आप समझ गए, हिंदी में ये सेंटेंस इस तरह से होते हैं कि इसमें ये है, और इंग्लिश में इस तरह से बनते हैं। अब इसमें कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, कुछ नेगेटिव बनाते हैं, अलग अलग टाइप के, वैरायटी के। अगर मुझे इसमें नेगेटिव बनाना हो, मान लो कि कमरा है लेकिन उसमें कोई भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? कमरे में कोई भी नहीं है, तो क्या बनेगा? देयर इज नोबडी इन द रूम। टोकरी है, टोकरी में कोई भी सेब नहीं है, ठीक है,
सो देर इज नो एप्पल इन द बास्केट, या देर इज नथिंग इन द बास्केट, कुछ भी नहीं है. देर इज नथिंग इन द बास्केट. ठीक है, ध्यान रखना, नोबडी इंसानों के लिए आता है और नथिंग किसी चीज के लिए आता है. सो देर इज नथिंग इन द बास्केट. तो इस तरह से इसे नेगेटिव बनते हैं. और एक बात ध्यान रखना, पास्ट में भी आप बना सकते हो. तो सिंपल सी बात यह है कि जहां पे आप इज और आर लगा रहे हो वहां पे वॉज वर लगा देना है, तो बन जाएगा पास्ट. अगर आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए और वहां पे पिक्चर हॉल में 50 आदमी थे, ठीक है, टोटल 50 पीपल थे, और आपको यह कहना है कि सिनेमा हॉल में 50 लोग थे, अब यह पास्ट है, तो क्या बनेगा? देयर वर, वर आया क्योंकि प्लूरल है, देयर वर 50 पीपल इन द सिनेमा हॉल. और अगर सिनेमा हॉल में कोई भी नहीं था तो आप क्या क्या कहोगे? देयर वॉज नोबडी इन द सिनेमा हॉल. तो सिनेमा हॉल में कोई भी नहीं था, देयर वॉज नोबडी इन द सिनेमा हॉल. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, और जैसे आपको यह कहना है कि कल मैं घर आ रहा था और मुझे कोई कोई सड़क पे कोई बस नहीं थी, सिंपल सी बात है, तो आप क्या कहोगे? देयर वॉज नो बस, देयर वॉज नो बस ऑन द रोड कहोगे, या इतना भी काफी, देयर वॉज नो बस. ठीक है, और इवन अगर आपको इतना हटाना है, अगर आप ये हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो. देयर वर 50 पीपल, 50 लोग थे. देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है. ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. अगर आपको कहना है बास्केट में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, कोई भी नहीं है, देयर इज नोबडी. ठीक है, 50 लोग थे, देयर वर 50 पीपल. ओके, देयर वॉज नो बस, कोई बस नहीं थी, देयर वॉज नो बस. सड़क पर कोई भी आदमी नहीं था, देयर वॉज नोबडी ऑन द रोड. ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे. तो ये तो हमने बनाए कि प्रेजेंट में कैसे बनते हैं और पास्ट में कैसे बनते हैं, पॉजिटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं. ये सब क्लियर हो गया है. ओके, और अब हम इसमें बनाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं. देखो, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कमरे में कितने लोग हैं, एक कमरा है उसमें कुछ लोग हैं और आपको पता नहीं है, आप पूछ रहे हो कमरे में कितने लोग हैं, तो आपका क्वेश्चन होगा हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम, तो आपका आंसर होगा देयर आर 15 पीपल इन द रूम. करेक्ट है. अच्छा, इसके अलावा बास्केट है, तो बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, तो अगेन क्या बनेगा? हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट. ठीक है, ग्लास में कितना मिल्क है. अब देखो, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये मैनी नहीं होगा, क्योंकि मैनी कहते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे लोगों को गिन सकते हैं, एप्पल गिन सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंट इन द सेंस, आप उसके आगे जैसे ए नहीं लगाओगे, जैसे आप मिल्क के आगे कभी ए नहीं लगाते हो, जैसे आप ए मिल्क कभी नहीं बोलते हो, आप ए मनी कभी नहीं कहते हो. ठीक है ना, ए मनी आप कभी नहीं बोलते हो. तो इनके आगे तो फिर हम इन्हें क्या समझते हैं? हम इन्हें समझते हैं अनकाउंटेबल, यानी गिन नहीं सकते हैं, ऐसा समझते हैं. ठीक है, वैसे मनी को गिन सकते हैं, वो अलग बात है, बट ये अनकाउंटेबल में आता है. इसका मतलब ये है कि इनके आगे हाउ मैनी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हाउ मच. तो अब ग्लास में कितना मिल्क है, तो क्या आएगा? हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास. हाउ मच मिल्क इज देयर इन द ग्लास, ग्लास में कितना मिल्क है. वॉलेट में कितना पैसा है, तुम्हारे वॉलेट में कितना पैसा है. हाउ मच मनी इज देयर इन योर वॉलेट, तो तुम्हारे वॉलेट में कितना पैसा है. हाउ मच मनी इज देयर इन योर वॉलेट. तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब आप समझ गए. ऑलराइट,
अब इसके अलावा क्विकली मैं आपको इट का यूज बता देता हूं। वैसे इट का इतना ज्यादा वास्ट यूज नहीं है, देयर के बहुत सारे यूज होते हैं, बट स्टिल देखो देयर के इसके अलावा कुछ और भी यूजेस हैं। जैसे अगर मुझे ही कहना है कि कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन, ओके। तो इस तरह से भी इसमें सेंटेंस बनते। बाकी देखो देखो आप जो मैं आपको टीच करता हूं या आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसको बस आप एक फ्रैक्शन ले लिया कीजिए। आई मीन टू से कि आप ज्यादातर खुद रिसर्च किया करो, आप खुद बुक्स देखा करो, आप डिक्शनरीज देखो, आप इंटरनेट पर सर्च मारो। जैसे आपने इट और देयर का आप ये पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा आप खूब सारे सेंटेंस बनाओ, उसकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस करो, तभी जाके वो अच्छे से आएगा। कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं होता है, ओके। आई मीन टू से मैं यहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकता हूं 10 15 20, लेकिन आपको 40 50 100 200 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करना है उसको। तो आपका अपना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं आपको इट बना, देखो इट का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस बनता है वो है, देखो अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या बजा है, टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब हम बोलते हैं ना क्या बजा है भाई, इसका इंग्लिश क्या होता है? तो इसका इंग्लिश होता है व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट डे इज इट। अगर कोई दिन पूछना आपने, व्हाट डे इज इट, कौन सा दिन है, ठीक है, व्हाट डे इज इट, तो इसका आंसर होगा व्हाट टाइम इज इट, इट्स 5 o'clock, 5 बजा है, इट्स 7 o'clock, व्हाट डे इज इट, इट्स संडे, ओके। तो इस तरह से इसमें इट का यूज होता है। इसके अलावा इट्स अ नाइस वेदर, इट्स यू नो, इट के भी इस तरह से यूजेस होते हैं। तो वैसे इट के इतने ज्यादा यूजेस नहीं है। जैसे एक और काफी फेमस इसका यूज ये है कि अगर आपको ये कहना है कि मुझे ऑफिस जाने में, ये ऑफिस है और ये मेरा घर है, मैं कहूं कि मुझे ऑफिस जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखो इंग्लिश में आएगा इट टेक्स मी 2 hours टू रीच ऑफिस। तो आप देख सकते हैं इट का वैसे खास इसमें कोई मीनिंग है नहीं। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो जो हमने देयर देखे इनमें कोई ऐसा नहीं कि देयर का कुछ खास ऐसा मीनिंग है कि देयर का मतलब, लेकिन वो सब्जेक्ट की जगह पे है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बस उसका काम ये है कि वो एक सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, बस उसका वैसे उसका खास मीनिंग है नहीं। ऐसे ही यहां पे जो इट है इसका कोई खास मीनिंग ऐसा है नहीं, बट ये सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो ये सेंटेंस इट टेक्स मी 2 hours टू रीच ऑफिस, इसको अगर नेगेटिव बनाना हो, मतलब क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बनेगा? तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगता है, इसका मीनिंग बस इतना है। इसके आगे आप कुछ भी जोड़ दो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच ऑफिस, तुम्हें ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है। ऑलराइट डियर, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बोलने की तो कोई जरूरत है नहीं, आपको भी पता है कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।